जो आंसर आएगा वो देखने में अलग अलग दिखाई देगा, लेकिन जानता है उसे, तो उसको कैसे पता करेंगे कि हम जो बनाए वो सही है, भले आंसर मैच नहीं किया किताब से लेकिन सही है। तो उसके आंसर और अपने वाला एन के जगह आप मान रखना शुरू करें, अगर एक टकरा गया, कम से कम एक मान टकरा गया, इसका अर्थ है कि हम बनाए वो भी। जैसे यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा इसका हल करना है, जनरल वैल्यू निकालना है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, फॉर्मूला साइन बराबर जीरो होना चाहिए, चाहे साइन बराबर कॉन्स्टेंट आना चाहिए, चाहे साइन बराबर साइन आ जाना चाहिए, तो इस कॉस को साइन में बदल सकते क्या, तो हम कॉस को साइन में बदल सकते। अगर आप फॉर्मूला नहीं याद किए हैं तब तो भाई आपको कष्ट होगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, साइन में बदल दी। अब आ गया साइन बराबर साइन, साइन बराबर तो अब थीटा बराबर एक पाई, अभी मान लिखे थे अगर माइनस वन का पावर एन पाई बाई टू माइनस, बोलिए अब जब माइनस वन का पावर एन है तो इसमें दो स्थिति है, एन या तो इवेन होगा, ठीक है, तो एन इवेन अगर है तो अब यह क्या देगा, वेन ऐसे कंसीडर कर लेते, वेन एन ई मतलब दो स्थिति हो रहा है कि स्पष्ट ले लीजिए, जब एन क्या हो तो उस स्थिति में थीटा बराबर एन पाई, यहाँ इवेन पहुंचते ही अब ये प्लस हो गया, तो आएगा पाई बाई टू माइनस, और अब इस थीटा को इधर ला रहे, बोलिए क्योंकि हमको थीटा निकालना है नहीं, तो टू थीटा बराबर एन पाई प्लस पाई बाई, तो थीटा बराबर कितना होगा, एन पाई बाई प्लस पाई बाई, ठीक है। और जब दूसरा केस लेंगे कि सेकेंड व्हेन एन इज ऑड, तो यह संभव नहीं होगा, यह संभव क्यों संभव नहीं हो रहा है, देखिए एन जब ऑड कहेंगे तो माइनस देगा, तो यह माइनस होगा और यह प्लस होगा, तो प्लस होगा तो थीटा ही कट गया, तो जिसको निकाले जा रहा है वही कट जाएगा, नहीं इसलिए जो हम लिखे और यहाँ लिख देंगे इम्पॉसिबल।